अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग क्विक रेसिपी विद हिना सईद। आज की हमारी रेसिपी है वो है जी कोफ्ते की रेसिपी, क्रीमी कोफ्ता। सो उसकी रेसिपी स्टार्ट करती है। मैंने सबसे पहले कीमा लिया है। कीमे में मैंने जो है वो हरा धनिया, पुदीना और हरी प्याज जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, उसके साथ मैंने स्पाइसेस, उसके साथ मैंने खसखस और कॉर्न स्टार्च जो है वो मैंने ऐड किया और मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और मैंने फिर जो है इसकी बॉल्स बना ली, ये आपके साथ में मैंने इसकी बॉल बना ली। मैंने इसमें जो है बादाम और पिस्ते का जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून चॉप करके वो भी ऐड किया था। और मैंने इसकी बॉल्स बना ली। बॉल्स मैंने इसकी जो है मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई थी। आप चाहें तो इस रेसिपी को चाहे चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सो बॉल्स बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली और उसको मैंने जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। मैंने इसे फ्राई किया है, उसे कलर चेंज करूँगी और मैं इसे बाहर निकाल दूँगी क्योंकि मैं उसका दही के साथ पेस्ट बना कर रख दूँगी। सो मैंने जो है ये प्याज मेरा हल्का सा फ्राई हो गया तो मैंने इसे निकाल दिया। उसी ऑयल में मैंने जो है वो अपनी बॉल्स को फ्राई कर लिया। बॉल्स फ्राई करने के बाद मैं 1 बाय 1 सारी बॉल्स को जो है फ्राई कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसे भी निकाल कर साइड पे कर दूँगी और इसी ऑयल में मैं टोटल काम करूँगी। ये मैंने टोटल 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ खानों में। सो बॉल्स मेरे फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखें। सो अब मैंने उसी ऑयल के अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैंने उसी में खसखस दोनों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैं उसे टमाटर के 2 अदर टमाटर के पेस्ट जो है वो उसमें ऐड कर दूँगी और टमाटर पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से जो है वो कुक करूँगी और फिर उसके अंदर जो है मैं ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। मैंने इसमें बादाम और उसका जो पेस्ट है वो भी डाला था। सो मैंने ये अच्छे तरीके से कुक हो गया तो इसके अंदर मैं बॉल्स ऐड कर दूँगी। बॉल्स ऐड करने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और 1-2 मिनट के लिए कवर अप करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ये दम पर अच्छे से खुशबू की आने लगे। देन मैं इसमें प्याज और जो दही का जो मिक्सचर था बना कर रखा था मैंने वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर अप करके रख दूँगी। सो 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे देखा तो ये ऑयल पर आ चुका था और ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से जो ये बन चुके हैं। अब जो है मैंने इसमें ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर जो है वो डाल दिया। इसमें मैंने ज़्यादा कोई खास स्पाइसेस नहीं डाली और मैंने 2 से 3 अदद जो है मैंने हरी मिर्च डाल दी और मैं इसे फिर 1-2 सेकंड के लिए दम दे दूँगी और लास्ट में इन द एंड मैं इसमें जो है वो क्रीम ऐड करूँगी। 100 ग्राम क्रीम को हमेशा एंड में डालते हैं और उसे बहुत अच्छे से फिर कुक नहीं करते। 1 से 2 या 3 सेकंड के लिए इसे आप टोटली आपने जो है वो दम पर कुक करना होता है, अदरवाइज़ आप बहुत ये नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा पका दें। सो क्रीम डालने के बाद मैंने इसे 1-2 सेकंड के लिए जो कवर अप करके रखा और ये जी मेरी रेसिपी जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे क्रीमी कोफ्ते जो है वो रेडी हो चुके हैं और उसमें एंड में डिश आउट कर दूँगी। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। खुश रहें, खुशियाँ बटें, दूसरों की खुशी में खुश हों और इसके साथ ही आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद का फर्स्ट डे बहुत मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी और अल्लाह हाफिज़।